नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ बुशरा। सबसे पहले खबर की बात करेंगे, जहां रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रम में, जगन्नाथ रथ यात्रा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। राजधानी के शंकर नगर में निकाली जाएगी जगन्नाथ रथ यात्रा। गौधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि हस्तांतरित की जाएगी। दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशि डाली जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जुड़ेंगे आज खास कार्यक्रम में, जगन्नाथ रथ यात्रा के कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। राजधानी के शंकर नगर में जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता स्वाति कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। स्वाति, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होंगे, क्या क्या सौगातें आज मिल सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए रायपुर स्थित शंकर नगर में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में रथ यात्रा कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। कार्यक्रम में लगभग 12 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शामिल होने की जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही है। तो प्रदेश भर के साथ साथ रायपुर के भी विभिन्न मंदिरों में आयोजन किया जा रहा है जगन्नाथ रथ यात्रा का, और कई मायनों में ये रथ यात्रा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भी देखी जाती है। एक धार्मिक पर्व है, त्योहार है, उसके साथ सीएम भूपेश बघेल हर साल की तरह इस साल भी शामिल हो रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसमें प्रदेश के कई मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। तो लगभग 12 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। उसके साथ ही अगर आज बाकी कार्यक्रमों की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से दूसरा जो बड़ा कार्यक्रम है वो है गौधन न्याय योजना के अंतर की राशि को हस्तांतरित करना। हर 15 दिन में ये राशि जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है। इस बार भी प्रदेश के जितने गौठान संचालक हैं, गौ समिति से जुड़े हुए लोग हैं, गौठानों में काम करने वाले लोग हैं, उन सभी को जो 15 दिन के अंतर की राशि है वो आज दी जाएगी। इसके पहले 15 दिन पहले ये राशि हस्तांतरित की गई थी और फिर आज ये एक बड़ा जो अमाउंट है वो लोगों को हस्तांतरित किया जाएगा। जी। और इसके अलावा स्वाति, आप जैसा कि बता रही है कि दिन भर के आज मुख्यमंत्री के खासे कार्यक्रम, लेकिन जगन्नाथ रथ यात्रा इस पर खासा फोकस रहने वाला है। कौन कौन इस यात्रा में मुख्यमंत्री के अलावा खास हस्तियां जुड़ेंगी? जी देखिए, अभी संभावनाएं जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के मंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कोई नाम निकलकर स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि सभी मंत्री जो है, कुछ मंत्री अपने क्षेत्र पर भी हैं, लेकिन ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कुछ मंत्री जो है वो इस रथ यात्रा के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे भी जगन्नाथ मंदिर में दिख सकते हैं, क्योंकि ये हर साल का आयोजन होता है, बड़ा आयोजन होता है रायपुर के लिए भी और प्रदेश के लिए भी। ये बिल्कुल उसी तरह ये आयोजन होता है जिस तरह पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है, तो इस बार भी ये आयोजन यहाँ पे हो रहा है। मंदिर समिति के 11 सदस्यों द्वारा ये पूरा आयोजन किया जाता है, भव्य आयोजन किया जाता है। तो अब से कुछ देर में प्राण भगवान के पूजा पाठ के साथ वहां का आयोजन का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा, भक्तों का तांता भी लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार मौसम जो है, क्योंकि प्रदेश इस वक्त हाई अलर्ट पर है गर्मी को देखते हुए, तो उस वजह से भी कुछ भक्तों में कमी देखी जा सकती है। लेकिन कुछ देर में भक्तों का तांता लगना चालू हो जाएगा, मंदिरों में पूजा पाठ की विधियां जो है वो शुरू हो जाएंगी। और बिल्कुल जिस तरह जगन्नाथ मंदिर पुरी में ये पूरा आयोजन होता है, भव्य आयोजन होता है, उतना तो नहीं लेकिन बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी रायपुर के शंकरनगर में, गायत्री नगर में ये पूरा जो आयोजन होता है जगन्नाथ मंदिर में वो होता है, और उसी में सीएम भूपेश बघेल जो हैं वो हर साल शामिल होते हैं। जी चलिए स्वाति, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर लौट रहे हैं आपके पास।